जुगो जुगताल तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी निघ गोत गुरबैर साहब संग फतेह सान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद है तुहाडे सारिआं दा जिहड़े दूरों नेड़ों चल के अज इसे अपना हिस्सा पा रहे हो। और मैं चाहवांगा कि जिहड़ियां बीबियां नूं असीं सम्मानित किया एक घट्टो घट्ट 15-15 मिनट लाउण ताकि आपां सुख सेना को सेह लै सकीए। वीर जी नूं बाद सम्मानित करांगे क्योंकि इत्थे बीबीआं दा काम है, वीरां वास्ते असीं वखरा समागम करांगे। इस करके काम करन दे, तुसीं ना कन्फ्यूज ना करो किसी नूं। तो बेनती है कि अज का जिहड़ा समागम है ये सारा सारा बीबिया नूं समर्पित है। अज याद करिए माता खीवी जी नूं, याद करिए माता साहिब कौर नूं, याद करिए माता तृप्ता जी नूं, बेबे नानकी जी नूं। और जिवें असीं हर महीने एक बीबी का दिन मनाया उन्हां नूं याद किया, उहदा इक्को इक मुख कारण सी कि आपां अपने इतिहास नाल आप भी जुड़िए ते अपने बच्चों भी जोड़िए। सो मैं हुणे बीबी प्रभजोत जी कौर नूं बेनती भी की है कि जिहड़े साडे घरां दे विच अजकल डिवोर्स का बहुत ज़्यादा जोर पै गया, साड़ियां बच्चियां बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जांदियां, उन्हां उत्ते असीं जरूर कोई चार अक्खर लिखिए ताकि असीं गुरु इतिहास नाल उन्हां नूं जोड़ के ये समझाने की कोशिश करिए कि ये जिहड़ियां छोटियां मोटियां प्रॉब्लम करके आपां बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जांदे आ, बहुत जल्दी छुड़छुड़ा दी गल च पै जांदे आ। कोशिश करिए कि जद तक हो सके इस रिश्ते नूं संभालिया जावे, क्योंकि असी धर्म प्रचार जिसने सेवा संभालते हैं साढ़े कई बच्चियां आदि हैं। मैं तुम्हें बेनती करता कि मेरे को एक बच्ची आई है, उसकी डॉटर हुई है, उसकी कुड़ी हुई है और 7 महीने की है, तो उन्होंने सहुरिया ने उन्होंने एक्सैप्ट करना तो मना करता। 3 दिन पहले बच्ची मेरे को पहुंची है, बहुत ही सुरक्षित ढंग नितनेम बाणी ना जुड़ी हुई। हुण ये दसो कि जो घर धी हो गई है अज भी साडे घरां दे विच इस गल दा वितकरा है, और वितकरा कौन कर रहा है? माँ। माँ की है, वह भी धी बन के निकली है। सो सानू विचारन दी लोड़ है कि आपां अपनी नूं नूं, आपां अपनी धी नूं किस तरीके नाल ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आपां आप उस दायरे चों निकल के आए, आपां आप उस गल्लां चों निकल के आए जो अज साडियां बच्चियां फेस कर रही हैं। सो मैं अपनी वड्डी भैन बीबी प्रभजोत कौर जी को बेनती करांगा कि मैं बेनती की कि एक हैंडबिल यहो जहा छापीए जिदे विच असी दोनों पक्षों की गल करिए, जिथे कुड़ी नूं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए उत्थे कुड़ी भी करे, जिथे मुंडे नूं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए मुंडा भी करे। कुछ इहो जी लिखित जिहड़ी कि 4-5-10 पेजां दी होई, जिहड़ी ईजीली हर बच्चा पढ़ सके ते पढ़ा सके, क्योंकि बहुत सूझवान ने। इन्हां दी लिखता पहले भी दिल्ली कमेटी छापती रही है, 45,000 दे करीब असीं इन्हां दी बुक छापी है, और इस दा मैनूं लगता है कि कोई ना कोई जरूर लाभ निकलेगा। जिथे असीं कीर्तन नाल जुड़ रहे हैं उत्थे असीं इह वी देखिए कि असीं घर जाके अपनी नूह नाल अपनी बच्ची नाल किवें ट्रीट करना है, और जिहड़ी अगों साडे घर दा वंश चला रहा। अज आपां इस गल नूं सुन लईए कि कोई सरकार जां कोई एजेंसी नहीं कह रही तुहानूं कि तुसीं अपनी धी नाल वितकरा करो। अज धीआं दी जिहड़ी वॉल्यूम है उह मुंडिआं तों घटदी जा रही है, उहदा कारण इही है कि मावां नूं खास करके इस पासे ध्यान देना पएगा, क्योंकि जे सस दे रूप ही तुसीं वितकरा वधा लिया तो मैं तुहानूं दसां फिर आने वाले जमे साडे मुंडिआं नूं दूजे धर्मां तों कुड़ियां लभ के लियाणियां पैणियां। सो मेरी बेनती है जिथे आपां इन्ने वड्डे समागम कर रहे हैं और अज जिहड़ा इत्थे कंपीटीशन होया, मैं वधाई देना चाहुंदा बीबी निंदर कौर जी नूं, और जिहड़े इत्थे जजिस बैठे ने भाई मनोज सिंह जी, भाई हरनाम सिंह जी, जिहड़े इत्थे सवेर तों सेवा निभा रहे ने, भाई गुरनाम सिंह ना, भाई गुरनाम सिंह जी, क्योंकि मैंने कई बार भुलेखा थोड़ा नाम लग पै जाता, तो मैं इन्हों का भी धन्यवाद करदा। बीबी मनदीप कौर बख्शी जी ते बीबी बलजीत कौर जी भी इत्थे आए ने, उन्होंने भी धन्यवाद करदा। बीबी मनदीप कौर बख्शी, बीबी हरप्रीत कौर जी, तो बीबी अरविंदर कौर जी जिहड़े फतेह चैनल तो ने, इन्हां नाल मेरा वैसे भरा भैन का छत्ती जागड़ा रहिंदा, एक जिहड़ा काम कहिंदे मैं करदा नहीं पर जिहड़ा मैनूं समझ आउंदा मैं उही करदा। तो बीबी सुमीत कौर जी, हाँ जी सुमीत कौर जी, मनप्रीत कौर जी, तो जिन्हिया बीबिया के नाम रह गए मैं उन्होंने तो माफ़ी चाहना। तो इस करके एक गल समझ लीए कि इस तो बाद एक सैमीनार करांगे जिहड़ा कि बीबी अरविंदर कौर के मन के विच है, कित्थे बीबी इधर आ जा,
और उस सैमीनार दे विच तुहाडे सारयां दी हाजरी चाहीदी है। ये ना हो कीर्तन सुनना ना आप सुना आना आप कुछ समझ भी आना। असं चाहते हैं कि तुसी मैं बार बार स्टेजा देखो गल कहना कि माँ जिहड़ी है वह दही के रूप में है, वह दही के खट्टे के रूप में है। जिन्ना खट्टा वो लग जाना दुध च वह दुध दही समझ जाएगा। जिहड़ी तुसी इत्थों अज दही लै जाओगे, जिहड़ी तुसी इत्थों खट्टा लै जाओगे, घर जाके तुसी अपने बच्चे नूं गुरमत नाल जोड़ दोगे तो साडी दही जम जानी है, साड़ा गुरसिखी वाला जीवन वो आ जाना। सो ये जिहड़ा सैमीनार असी करन जावांगे, मैं कोशिश करांगा कि असी फरवरी के पहले या दूजे हफ्ते दे विच इस सैमीनार नूं करिए, ताकि जिहड़ा बीबियां दे जीवन दे उत्ते जो सानूं मुश्किलां देखण नूं और समझण नूं आ रही हैं, असी चाहुंदे हां कि उहदे उत्ते इक रोशनी रहे। और तुहाडे सहयोग की बहुत वड्डी लोड़ है, तुहाडी असीस दी, तुहाडी असीस दी बहुत वड्डी लोड़ है। बगैर तुहाडी असीस दे असी कुछ नहीं कर सकते। सो मैं आस करदा और सारे नूं वधाई देना जिन्होंने ये भाग लिया। एक माफ़ी मंगना चाहुंदा दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के मुख सेवादार धर्म प्रचार वजों, जे मेरी वड्डी भैन नरिंदर कौर कोलों किसी ना कोई वादी घाटी हो गई है, कोई गुस्सा चढ़ जाता जिहड़ा ऑर्गनाइज कर रहा हुंदा उहनूं गुस्सा बहुत आउंदा क्योंकि उहने सब नूं संभालना हुंदा, ते वड्डी भैन समझ के तुसीं बख्शा देना, कदे किसी नूं वारी पहले जां पिछे रह गई होए उहदे वी माफ़ी असीं चाहुंदे हां। कोशिश करते हैं हर वारी कि टाइम सिर करिए, पर फिर कितने ना कितने कुछ यहोजा प्रैशर आता जिस नाल कि वह अगे पिछे हो जाता। सो इन्हों वालों भी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी कोई प्रबंध में माफ़ी रह गई हो, कोई कमी रह गई हो तो असं माफ़ी चाहते हैं। और मैं हूँ जकारा छड़ दें, जरा गज के बुलायो ताकि पता लगे हॉल के बाल प्रधान हो कि बीबियां बैठिया अंदर। बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। बोले सोनहार, बेशक राणा वीर जी मना कर रहे ने पर भैणा दी सरदारी भरावां नाल ही है, इस करके असी अपनी सरदारी भरा नूं सिरोपा दे के भी लैनी है। बोले सोनहार। समरदीप सिंह सन्नी वीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब दा। ये वाकई मैं अगे भी कई बार बेनती की, जो आके मत्था टेकते हैं ना सारिया बीबियां इशारे कर लग जांदियां ने, चेयरमैन साहब आ गए। सो मैं बेनती करांगी सनी जी नूं, उन्हां नूं सन्मानित कर रहे हो। मनप्रीत इन्हां दी मैसेज है, मैं हुणे जिन्हां दा राणा जी नूं बार बार नाम लै रही सी, हुण मैं बेनती करांगी मनदीप कौर जी बख्शी जी, मनदीप कौर जी बख्शी जी, इन्ना सम्मान कर दे भाई मेरा ते तुसी। एक मिनट बोले सोनहार। सन्मीत कौर जी नू बेनती है अगे आके सिरोपा ला लै। बोले सोनहार। सारी संगत वालों बीबी नरेंद्र कौर जी नूं सन्मानित किया जा रहा है। सत श्री अकाल। इहदा मतलब बीबी नरेंद्र कौर जी दीआं झिड़कां जिहड़ियां ने एक्सेप्टेबल हैगियां ने। बोले सोनहार। हुण सीसगंज साहब दे इस्त्री सत्संग वालों ते सारियां बीबियां वालों
सत्कारयोग मानयोग बीबी नरेंद्र कौर नूं सन्मानित किया जा रहा है। बोले सोनिहार स्वरदास है सतगुरु चढ़दी कला बख्शिश करे, देह रोगता बख्शिश करे, ता जो इसे तरह पंथ दी चढ़दी कला ना सेवा कर सकन। जेड़ा तुसी आंदे हो ना एक एक कदम यही तुहाडा सिर मत्थे मेरे यही मेरा सत्कार है। तुसी जेड़ा गलवकड़ी च लैके प्यार दिंदे हो असी जेड़े बाहरों आए ने उन्हां दे कोलों बचन सुनीए बाद विच फिर प्रिंसिपल प्रभजोत कौर जी 5 मिनट सारी संगत नाल अपने विचार सांझे करन। सत्कारयोग साध संगत जी चुप दा दान बख्शो थोड़ा जा हुण मेरी ड्यूटी लगी है कि मैं 5-7 मिनट लई विचार सांझे करा। गुरु की मेहर दे नाल गुरु ने जिवें अकल बख्शिश की, गुरु जिवें संगत ने हाथ विच कलम पकड़ाई ते नाल तोर के जो लिखवाया वो मैं लिखिया ते संगत ने गुरु ने अगवाई बख्शी ते कहा भी तू बीबी हुंदियां बीबियां दे रोल बारे गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब संसार दे सारे धर्मां दी गल कर लो ते ये अजिहा निवेकला धर्म है जिहदे च बीबियां नूं पूरा माण सत्कार प्राप्त होया है। बड़ा लंबा विशा है ते पर यह जिहड़ा अज असीं इत्थे बैठे हाँ कीर्तन कर रहे हाँ सुन रहे हाँ अते होर ये अगवाई कर रही ने बीबिया बीबी नरिंदर कौर जी बीबी रविंदर अरविंदर कौर जी तो होर बीबिया ये गुरु साहब की बख्शिश ही है कि सानू उन्होंने इस अगवाई करन दे काबिल बनाया। नहीं तो जो हाल सी साढ़े देश विच औरत नू तां पैर की जुत्ती समझा जाता सी, औरत नू धर्म स्थान के अंदर एंटर करन की आग्या नहीं सी, अगवाई करनी तो दूर की गल। सो ये जिहड़ा पासा पलटिया गुरु नानक गोबिंद सिंह ने पलटिया ते औरत जिथे अज खड़ी है उहदा मुढ़ गुरु नानक साहब बन गए सन। पर हुणे वीर जी राणा जी गल कर रहे सी कि जिथे औरत ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, तरक्की दे नाल नाल औरत ने इहो जिहे भी कुछ कदम चुक ले जिहदे नाल घर परिवार तबाह हो गए, जिहदे नाल रिश्ते टुटने शुरू हो गए, दंपती दे विच मियाँ बीवी दे विच इतने ज़्यादा इख्तलाफ आने शुरू हो गए कि डायवोर्स तक गल पहुँचनी शुरू हो गई। तो हुणे वीर जी गल कर रहे थे कि आप गल करिए गुरबाणी ये बारे की सेध दिंदी है कि गुरबाणी कुछ दसदी है कि सानू परिवार विच रहिंदिआं होइआं किवें रहना चाहिए है। मैं थोड़ियां जिहियां गल्लां करांगी 5-7 मिनट, मैनूं पता कि समा बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सात संगत जी फतेह का जवाब दे दो प्लीज। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भैन जी प्रिंसिपल प्रभजोत कौर स्पेशल चंडीगढ़ तो आए ने साड़ी बेनती ते कि असी एकजुट होना है। जे असी अज इतिहासिक स्टेजों ते पहुंचे हाँ सानू इत्थे पहुँचाया ही बीबी नरेंद्र कौर ने मेहनत की इत्थे पहुंचे हाँ। भैन जी इन्नी दूरों चल के आए ने असी चुप दा दान बख्शीए ते सुनीए फिर असी ओही बीबियां वाली कावां रोली पाई हुई है। मैनूं बहुत दुख लग रहा है, मैं फिर भैन जी तो माइक पकड़ के 2 मिनट तुहानूं हथ जोड़ के बेनती कर रही हाँ प्लीज़ 5 मिनट सुनीए। भैन जी ने किनिया किताबां लिखियां और प्रिंसिपल रे ने सारे कॉलेजों नूं संभाल लिया, पर मैनूं लग रहा इनिया को बीबियां नूं कवर करना बहुत औखा है। अपनी अपनी जगह पर सारे बैठ जाओ, 2 मिनट सुनो कि असी अगों करना है किवें अपने परिवारों नूं बचाना है ते किवें होर काम लई जत्थेबंद होना है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। 5 मिनट प्लीज़ सारे चुप करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ, आवाज़ ना आए।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। असी गल कर रहे सी बीबिया दी कि गुरु नानक साहब ने किन्ना को मान सत्कार दिता। आम तौर पर असी ये गल करन लगे इत्थे बंद कर देंदे, देखो जी बहुत मान सत्कार दिता, कह दिता सो क्यों मंदा आखी अजत जमे दा जान, भी इहनू मंदा नहीं कहना, पर की गल इत्थे खत्म हुंदी है? नहीं, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी इत्थे बीबिया शब्द पढ़ दियां, सुनो सुन सखी सहेलड़ियो मेरा पिरवन ज्यादा राम, मेरी सखी सहेलड़ियो आओ सखी मिल उद्दम करेहा, मेरे प्रीतम का मैं दे संदेहा। अनगिनत शब्द ऐसे हैं जिथे गुरु साहब ने आवो भैने गल मिले अंक सहेलड़ियाँ मिल के करे कहानियाँ समरथ कंतकियाँ। ये शब्द सारियाँ विद्वान बीबियाँ बैठियाँ जड़ियाँ बाणी का कीर्तन कर दी ने, ये शब्द सारे गुरबाणी में आए ने। हुण जो गुरु नानक साहब कहते हैं आवो भैने गल मिले अंक सहेलड़ियाँ, तो कि इसका मतलब है सिर्फ भैन बैठनगियाँ? ये वीर ने बिच आते, वीर भी बिच आते हैं। गुरु नानक साहब ने वीर भी भैन बना के गल की, कि माण सत्कार दिता है कि सारी स्त्री जाति आम तौर पर अज स्त्रियाँ कहदियाँ जी जो बंदा करता असी वो करांगे, सानू बराबरी चाहिए है, जो बंदा करता जे बंदा पेंट पाँदा असी पेंट पावांगे, जे बंदा सिगरेट पींदा असी सिगरेट पीवांगे, जे बंदा शराब पींदा असी शराब पीवांगे, जे बंदा अद्धी राती दो बजे बाद घूम सकता सड़कां ते ते असी भी घूमांगे, असी बराबरी करन लग गए हाँ। गुरु नानक साहब ने भी बराबरी दिती है सानू, पर किहो जी बराबरी दिती है? उन्होंने बीबिया नहीं कहा कि बंदियां वर्गे बनो, किहो जी बराबरी है? गुरु साहब ने कहा बंदियां नू कहा कि बीबिया वर्गे बन जाओ। जो कहते हैं आवो भैने गल मिले अंक सहेलड़ियाँ, हूँ भैणा दे विच गुरसिख भैणा दे विच ए वीर भी आते हैं। आत्मा नू कहते हैं आत्मा नू इसत्री बना के गल की, गुरु नानक साहब आप जो गल करते ना रब नाल सीधी गल करते हैं, तो गुरु नानक साहब की कहते हैं मोहे अनाथ गरीब निमानी कंत पकर हम की नीराणी। हूँ गुरु नानक साहब शरीरक तौर पर ही वॉज अ मेल मैंबर ऑफ द सोसाइटी बंदा सी, उन्होंने ये नहीं किया कि मोहे अनाथ गरीब निमाणा, निमाणा नहीं किया, अपने आप में उवें स्त्री रूप में चितवें जो रब नाल गल करते हैं तो वह रब न पति तो अपने आप में स्त्री समझ के गल करते हैं। कितना मान दिता है कि बाकी जोड़े होर धर्मां के लोग ने कहें स्त्री में रूह ही नहीं होंगी, कोई कहता है जी इसकी जिन्ना मर्जी नाम जप लै जिन्हें मर्जी चम चंगे काम कर लै उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती, उन्हें मुक्ति लैन लई दोबारा बंदा बन के इस संसार दे विच आना पएगा, बंदे नूं मुक्ति मिल सकती है। तो गुरु नानक साहब जिस वेले रब नाल गल्लां करदे ने बंदा नहीं रहिंदे, वो आप इसरी बन जांदे ने। इन्ना मान दिता है जे सारी बाणी पढ़ो तो सारी बाणी है जिहड़ी वह गुरु ग्रंथ साहब विच इसरी नूं ही मुख रख के इसरी नूं मुख पात्र बना के लिखी गई है। मैनू मौका मिलिया, मैं अगे गल कर चुकी हाँ, संगत ने हाथ दिता, विद्वाना ने उंगल पकड़ी तो कहा भी लिखो इस विषय पर, इस विषय पर लिखद्या लिखद्या जो मैं स्टडी की मैं हैरान हो गई। एक किताब 29 सुलखणी की गल कर रहे सन राणा जी, मैं किताबा नाल भी लिया, सारे उदे विच आर्टिकल जने 150 सफे 100 सफे की किताब है उदे विच सारा कुछ बीबिया बारे लिखा कि सिख धर्म विच बीबी किहो जी होनी चाहिए है, एक सिख बीबी किहो जी होनी चाहिए है, उहदा किरदार आम दुनिया दियां बीबिया नालों किते उत्ता उत्ते होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु नानक साहब गल ही किरदार की करते हैं। गुरु नानक साहब रस्मां रिवाजां की गल नहीं करते, रिचुअल्स की गल नहीं करते। गुरु नानक साहब कहते हैं सचो ओदे सब को ऊपर सच आचार, सच परमात्मा सब तो उपर है, उस तो उपर जरा की है सच्चा आचार, तो सच्चा आचार एक सिख बीबी का सब तो उपर होना चाहिए, क्योंकि गुरु नानक साहब का नाम जपन वाली गुरु नानक साहब की नाम लेवा सिख बीबी है। सो मैं एक होर किताब लिखी अंग्रेजी विच लिखी जिदे विच मैं वैस्ट दी वुमेन लिबरेशन जड़ी मूवमेंट चली जिन्हें सानू इस काबिल बनाया कि अजकल बीबियां सर सब तरह के काम कर रही हैं, पायलट भी बनी हुई हैं, आर्मी विच जा रही ने, पर वो ते अज उन्होंने डिमांड्स कर करके अज आर्मी विच जान लगियां, एजुकेशन दी परमिशन उन्होंने हुण मिली 20वीं सदी विच आके,
गुरु नानक साहब ते माई भागो नूं पहले ही आशीर्वाद दे गए सी। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब माई भागो नूं पहले ही जंग दे मैदान विच बिठा गए सी। जे अज बीबिया नूं अमरीका दे विच आर्टिकल 9 दे मुताबिक 1970 दे करीब कॉलेजां दे विच एडमिशन लैके पढ़न दी आग्या मिली तां सिख बीबिया गुरु अमरदास जी उन्हां नूं प्रचारक बना गए सी। सो इतने अगे हाँ असी समाज दे विच अज दे संसार दे विच जड़ा अर्बनाइजेशन एंड जड़ा संसारीकरण दा जमाना है उहदे विच असी बाकी संसार नालों किते अगे हाँ, तां फिर अज सिख परिवारां दा हाल क्यों अजिहा क्यों? वो कहिंदे हन धी पढ़ाया होम दी कुल दी उच्ची शान। साडे माता जी एक गल सुनांदे कहिंदे हुंदे सी, ये कहावत बनी हुई सी, जे पुत्तर नूं पढ़ाओ तां पढ़दी है इक जान, ते धी पढ़ाया होम दी कुल दी उच्ची शान। एक धी पढ़ जाए तो सारा कुल पढ़ जांदा है, ते अज कुड़ियां इन्ना पढ़ गईयां ते कुल तबाह हो रहे ने, परिवार तबाह हो रहे ने, बच्चे रुल रहे ने, मियाँ बीवी दे झगड़े ने, जो आम दुनिया विच झगड़े ने उही सिख परिवारां दे विच मियाँ बीवी दे झगड़े ने। शायद सिख बीबी किते भुल गई है गुरु नानक साहब दा केड़ा सुनेहा, निवन सो अखर खवन गुण जेबा मणिया मंत, ये त्रै भैने वेस कर तां वास आवी कन। ते गल्लां सिर्फ कहन लई नहीं है, ये सिर्फ व्याह वेले कुड़ी नूं सिख्या देन लई नहीं है, ये अपनाउण लई ने। बाबा फरीद जी दा शलोक है, हर औरत दी इच्छात हुंदी है कि उसदा पति उहदी गल मन्ने। पति भी चाहुंदा कि मेरी पत्नी है जिहड़ी आग्याकार होवे मेरी गल मन्ने, ते औरत भी इसे तरह ही चाहती है कि उसका पति उहदी गल मन्ने। सच्ची गल ये है कि दोनों एक दूसरे की गल मन्नन ते तां ही समाज चल रह सकदा, तां ही परिवार चलता रह सकता है। ते की श्लोक है कि पुछया बाबा फरीद जी का श्लोक है गुरु ग्रंथ साहब दे विच, कमन सो अखर कमन गुण, कमन सो मनिया मंत। वह किहड़ा अखर मैं वरता, किहड़ा गुण मैं अपनावां, किहड़ा मंत्र पढ़ा। आम तौर पर कहिंदे जांदियां लेडीज कि मेरा पति वस विच हो जाए, मैनू किसे मंत्र पढ़न वाले कोल जांदियां, मैनू कोई टोटका दस, मैनू कोई मंत्र दस, जादू टूना दस। कहिंदे मैनू किहड़ा जादू टूना करां, किहड़ा मंत्र पढ़ा, मेरे पति मेरे वस विच हो जाए, वह होर औरतां दे पिछे ना भुले चले ना भजे। ये गल्लां भी यह भी समाज विच बुराइयां हन, जे औरतां विच बुराइयां हन, बंदियां विच भी बुराइयां हन। उस बुराई की गल करते हुए कहा गया है कि औरत नूं औरत पुछ रही है भी की करां मैं कि मेरा पति मेरे वस विच आए, तो जवाब है निवन सो अखर खवन गुण जेबा मणिया मंत। निम्रता का हथियार अपनाओ। निम्रता का हथियार की है? एक होर गुरबाणी विच तुक आंदी, गरीबी गदा हमारी। गरीबी मीनस निम्रता, गरीबी विच रहना, मन नूं गरीब बना के रखना। गदा हनुमान दा हथियार गदा सी, है ना, गदा चलाना गदा नाल। कहिंदा मेरे लई गदा की है, मेरे लई हथियार की है? निम्रता। गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन छारी, ते फिर मैं सारियां दे पैरां दी धूड़ हो के रहा, निम्रता विच रहा, अपना हंकार विच ना रहा, निम्रता विच रहा। अगली तुक इस तो भी इंपॉर्टेंट है, इस आगे को ना टिकै विकारी। इस हथियार दे अगे, निम्रता दे हथियार दे अगे वड्डे वड्डे विकारी लोग ने जड़े उन्होंने घुटने टेकने पै जांदे ने। सो बीबियां नूं गुरु साहब ने जड़ा हथियार दस्या ना, पति नूं वस विच करन दा, परिवार नूं वस विच करन दा, बच्चियां नूं परिवार वस विच करन दा, सच ये है कि मां परिवार दा तुरा हुंदी है। इहदे विच कोई शक वाली गल नहीं, मां दे आले दुआले सारा परिवार घूमदा। मैं कई एक गल बड़ी आम कह दिंदी हाँ कि जे पत्नी की डैथ हो जाए तो पति है जिहड़ा दूजे दिन देखदा कि हुण मैनूं होर इस्त्री मिले तो मेरा परिवार बने, क्योंकि इस्त्री बिना परिवार चलता ही नहीं है। तो औरत है जिहड़ी जे उहदे नाल अजिही मंदभागी घटना हो जाए तो वह सारी उम्र बच्चों के लेखे लगा के इकल्ले भी कट लेगी। उहनूं इन्नी शक्ति दित्ती है परमात्मा ने, शरीरक भी अध्यात्मक भी ते मानसिक शक्ति इतनी दिती है कि वह सारा कुछ इकले मैनेज कर सकती है, बंदा शायद नहीं कर सकता। असी अपनी उस शक्ति नूं भुल गए जिहड़ी शक्ति सानूं गुरु नानक साहब ने दसी सी, जिहड़ी शक्ति निम्रता दे हथियार विच है, जिहड़ी शक्ति खिमा दे हथियार विच है। निवन सो अखर खमन मीनस माफी, माफी दे देना, खमन गुण ते जेबा
मनिया मंत्र मूँह विच्चों मिठे बोल निकलन। ये मंत्र है, ये त्रै भैने भी, ये तीन गुण हे भैने, ये तीन गुण तू धारना निमत्ता खिमा ते मिठा बोलना ता वसिया भी कंध, फिर कंध तेरे वस विच आ जाएगा, फिर किते नहीं जाता। जे अज चला भी गया तो कल आ जाएगा। मैं नहीं कहती कि बंदे सारे इन्नी सौखी काबू आ जाते ने, पर जे अज किसी वेले प्रॉब्लम है भी है तो अल्टीमेटली पेशेंस सहज संतोख सी गारी आई हो तो कहती है गुरबाणी दे विच के तू कमन सोवेसो हो करी जिस वस आवी कंत। ए तरह की तो कह सहज संतोख सी गारी आ मिठा बोलनी। सुहागन नू पुछया के हे सुहागन तू किवें अपने पति नू वस कीता, ते ओ की कहंदी है मैं सहज दा गुण धारिया संतोख दा गुण धारिया। सहज संतोख सी गारी आ मैं केड़े गुण धारे, मैं केड़े गहने पाए, मैं कन्ना ते वाला ते बाकी दूसरे गहने दी नहीं परवाह की, मैं दो गहने पाए सहज ते संतोख। सहज संतोख सी गारी आ मिठा बोलनी, जाए पुछो सुहागनी तुसी रावया किन्नी गुणी। सहज संतोख सी गारी आ मिठा बोलनी। अज लगता है कि गुरु नानक दी सिख बीबी सहज ते संतोख दी गल भुल गई है। आओ असी ये दो गुण ते मिठा बोलना ये गुण अपने विच लैके आईए। असी ते मैनू कई बीबिया जदों मैं गल करती हूँ कई बीबिया कहते तुसी बीबिया नूं क्यों कहिंदे हो, बंदिया नूं क्यों नहीं कहिंदे? मैं क्या भी मैं ते अपनियां भैणियां नूं ही कहना, मैं ते अपने आप नूं ही कहना। जदों बंदिया नाल गल करांगे उदों बंदिया दी दस देंगे भी तुसी की करो, पर जदों भैणां दी गल करांगे तो उदों भैणां दी ये सच्ची गल आ कि भैण विच शक्ति ज्यादा है। इतनी शक्ति है जे रब नूं मिलना है तां वी रब, गुरु नानक साहब कहिंदे इस्त्री बन जा, रब नूं मिलन लग्या गुरु नानक साहब आप ही इस्त्री बन गए। हाँ जी, मैं बेनती करा सारिया बीबिया सन्मान लैके जाओ, शुरू हो रहा हूँ आप जी नूं सन्मान किया जाना, बिना सन्मान दे कोई ना जावे जी। बस जी मैं थोड़े आप जी नूं सन्मान किया जाना प्यारियो, बिना सन्मान किसे नहीं जाना। मैं भी अपनी गल क्योंकि मैं तो इस मूड नाल आई सी कि बोलना नहीं, पर मैनू कहा गया वीर जी राणा जी ने हमने मैं ऑफिस ही बैठे क्या ये गल करो, तो मेरा मन कर रहा है कि गल्ला। वैसे मैं अपनी किताब कुछ कु किताबा लियादी हुई नाल मैं रविंदर भैन जी दे जावगी, यह गल्ला सारिया लिखिया हुई ने, तो आप जरूर ये गुण अपनाइए तो गुरु नानक साहब की सच्चे अर्थों के सिखी को धारण करिए। हुई गलतियाँ देखी मैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एहसन सबका प्रिंसीपल साहब चंडीगढ़ तो चेचे साडे विच आए ने, बहुत सतगुर ते कृपा इन्हां ते, बहुत रहमत है, बहुत विद्वता सतगुरु इन्हां नूं बख्शिश कीती है, उस दे नाल निम्रता भी है। हुण मैं बेनती करांगा बंबई तो आए हुए भैन दविंदर कौर जी, बहुत सेवा उन्हों की भी पंथ वास्ते कौम वास्ते, वो भी आके समय के संकोच के नाल सांझ बनाण। बीबी नरेंद्र कौर जी ने जिदा कि हमने बेनती की कि सारिया भैन सन्मान लाए वगैरह सारे सन्मान लाए वगैरह कोई ना जाए, ये आप जी नूं बेनती है जी। साढ़े विच बहुत ही सत्कार जो सिर्फ पांच सात मिनट का और समागम। सत्संग जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। डीडीए फ्लैट की संगत भैन जी का सम्मान कर रही है, वाहेगुरु महाराज के अगे बेनती करती है कि महाराज इसे तरह ही बीबी नरिंदर कौर नूं चढ़दी कला देह रोगता तंदुरुस्ती बख्शनी, महाराज कृपा करनी इसे तरह ही इसे मार्ग से चलाते रहना। हुण सम्मान करेंगे डीडीए की संगत, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बीबी दविंदर कौर जी ने भी बेनती सामने आ जान सोने काल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद प्यारियो, तुहाडा सम्मान मैं अगे भी कहा सी यही तुहाडा मेरे वास्ते सम्मान है जिहड़ा इन्ना प्यार करदे हो, जदों आवाज दे सच्चे पातशाह दे चरणां च हाजरी भरदे हो। सो ये मेरी फिर बार बार बेनती है कि सम्मान लाए बगैर किसे नहीं जाना। पांच सत्त मिनट का पूरा होर समागम है सारा, सारे सन्मान लैके जाना। तुहाडे बहुत पेशेंस ने जी, अमृत वेले तो सारे डटे पए हो और इतना साथ दिता है तुसी, तुसी जकारे वाले तुसी कित्थे जा सकते हो, तुहाने तुसी ते जाना ही नहीं, तुहाडा से जकारा सब तो चाहिए चढ़दी गलिया वाले। साडे विच बहुत ही सत्कार जो दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंध कमेटी विच बहुत विद्वान मैंबर
ਸਰ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਭੈਣ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਚਮਨਜੀਤ ਚਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ बोले सोनिया तुकलकाबाद एक्सटेंशन तो बीबी जी नू सम्मान बीबी जी नू साड़ी बीबी जी प्यारी बीबी जी हरमन बीबी जी बोले सोनिया ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮਹਾਨ ਸਚਿਤਾ ਮਹਾਨ ਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਬਸ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਸੋ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਰਾ ਭੈਣ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਵੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਰਜੇਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਵੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜੋ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੋ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਨੌਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਨ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਪਕੜਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋ ਭੈਣੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਭੈਣੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਬੜੀਆਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ
कि तुसी अज उन्हां दे इतिहासक स्थान ते दिल्ली दे विच आके कीर्तन कीता है, तुसी सारियां मावां जे ससां जे धीआं जे कि तुसी हत्थ खड़े करदे हो कि असी साडे घर साडी नौ ने धी नूं हाथ पैदा कीता ते असी अपनी नौ नूं तंग नहीं करांगे। मैं हत्थ खड़ा करदी हाँ, मेरी कल नूं मेरे बच्चे का विआह होगा, मैं अपनी मेरी कहिंदे महाराज जिन्नियां मर्जी मिंतियां दे मैं धीआं वड्डियां करके सोहणियां गुरसिख धीआं बणावां। तुसी वी सारियां बीबियां सात श्री अकाल सारियां बीबियां दियां मातावां दा भैणां दा धन्नवाद जिन्हां ने इन्ने प्यार दे नाल जकारे छड्डे हन। असी आंढ गुआंढ नूं अपनी धीआं नूं बच्चियां नूं बचाउणा है। सारी दिल्ली कमेटी, प्रबंधक कमेटी, साडी भैण नरिंदर कौर, साडी बीबी जो फतेह चैनल वाली है, होर इन्हां दे जो संजोगी सब जिन्हां दे नाम नहीं पता उन्हां दा धन्नवाद कि सानूं तुसीं इन्ना कि समझिया कि असी इस लायक है कि तुसी सानू इत्थे सन्मान किया है। सारिया संगतां जी का आया नू जी आया धन्नवाद, भैन जी का बार बार धन्नवाद, धन धन श्री गुरु रामदास जी का जिन्हां ने सानू इत्थों तक पहुँचाया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद दविंदर जी, जो तुसी रहमत की बख्शिश की है सच्चे पातशाह दे सदका मैं दस नहीं सकती कि असी किन्ने खुश हाँ। सानू गर्व महसूस हुंदा कि असी तुहानू सन्मानित कीता। बहुत बहुत धन्नवाद। सो अच्छी बीबी अमरजीत कौर जी चल गए ने कि इत्थे ने जी? बीबी अमरजीत कौर जी ए 5 मिनट हाजरी लगाउणगे, ओ तो बाद बीबी साहब नु सन्मानित करना। जत वाई अनु जागा तेरे अनिर्गुण आए का गुराही आप तस प्यारी तस प्यारा नाम तेरी सतगुरु सच्चा बोलो नाम तेरा मत्ता जीवा तम ना थीवा हरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोना कर दे, बोले सोना कर दे, एक बार बोले सोना कर दे। बोले सोना सच्ची अकाल बीबी अमरजीत कौर जी सिर्फ 2 मिनट वास्ते फतेह बुलाउणगे आप जी नूं। मैं इत्थे आके भैन जी नरिंदर कौर जी दी अति धन्नवादी हाँ जिन्हां ने मेरी थोड़े बीबियां नाल पछाण करवाई ते मेरे काम बारे थोनू चानना पाया। मैं सिर्फ समय दी तंगी नूं देखदी होई थोड़े नाल अज फतेह दी सांझ पावांगी ते फिर अगले समागम च अपने विचार रखांगी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं रोम रोम करके इन्हां दी धन्नवादी हाँ कि इन्हां ने इन्ना कीमती समा कढ़िया मेरे एक फोन ते। मैं हमेशा ही बेनती करांगी इन्हां दे चरणां विच कि जदों भी इन्हां नूं याद करिए इह सानूं उदों ही महाराज दी मेहर दे नाल बख्शिश हाथ रखण साडे सिर ते। इह इन्हां नूं मेरी बेनती है। सो जी आयां नूं ना इह ऐसे गुरसिखां दी सेवा कर सकदे आ, ना ही वडियाई उह अल्फाज नहीं है जो इन्हां च गुण ने। सच्चे पातशाह आप जाणदे ने, इह आप कह सकदे ही इन्ना समां नहीं। सो मैं बेनती करां हुण अनाउंस होण लगा रिजल्ट, उस तों बाद सारियां नूं सन्मानित करदे जाणा। और सारे बैठ जाओ, सारे बैठ धन्नवाद कि ओ भैन जी नूं नाल लैके आए ने। भैन जी प्रभ जोत जी दे जिहड़े हसबेंड है उन्हां नूं भी बेनती है। सो मैं बेनती करां सारे बैठ जाओ, तुहाडे रिजल्ट दा टाइम आ गया, बैठ जाओ सारे प्यारे, बैठ जाओ, खड़े क्यों, सारे बैठो, सारे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ सारे, सारे बैठ जाओ, खड़े क्यों सारे, सारे बैठ जाओ भाई, सारे बैठ जाओ। सारे बैठ जाओ भाई, एक एक मिनट बच्चे, एक मिनट वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
आई हैं संगतां दा और भैन नरेंद्र कौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने सानू बहुत सम्मानित किया इत्थे आके। पर छोटिया मोटिया गलतियां जिहड़ियां असीं लोग कर जाने हाँ वो नहीं होनी चाहिए। स्टेज पर बैठे कीर्तन करदे अगर लाइव टैलीकास्ट हो रहे हो या तो तुसी कैमरे वाले नूं रोक दिया करो अगर किसी नूं कीर्तन करदिया रोकना है। हुण वो लाइव टैलीकास्ट सारी दुनिया च गया है और सानू बहुत लोगों के फोन आ रहे ने। तुसी मैनूं इह दसो कि तुहानूं इन्नी समझ नहीं हैगी कि भाई तुसी इस तरह क्यों किया। हुण कैमरे वाले भी बैक देखो अपनी पिट्ठां करके खड़े ने। गुरु साहब जरूरी हैं कि साडियां वीडियो फोटोआं जरूरी हैं और सानू इस गल का बहुत ही दुख होया है कि तुसी सानू बेशक सन्मान ना दिओ पर इस तरह स्टेज पर बिठा के इंसल्ट करनी ये सानू बिल्कुल गवारा नहीं हुई क्योंकि संगत को बड़ी बेइज्जती लगी है। गुरु दरबार च आके ऑनलाइन टीवी पर सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और लोग सानू कह रहे भी की गल तुहाडी लड़ाई हो गई कमेटी के नाल तुसी स्टेज पर बैठ नहीं सी दिता। मैं कहनी ऐसी तो कोई गल नहीं हुई। कन्फ्यूजन किसी भी हो सकती है गलत कोई भी हो सकता है। जड़े जिथे भी मैंबर आए या दस दस मैंबर आए उन्होंने बहुत सारे लोगों ने गलत बेनती करें बैठ जाओ मैं गुरदीप जी बहुत इस गल को माफी मंगदी हां मेरा ए रोल नहीं है क्योंकि सानू चेयरमैन साहब तो कहा गया कह नहीं रहे हो मैं तो भी नहीं किया मेरा मैं फिर भी माफ़ी मंगती हाँ मैं उसके बावजूद ही तुहाडे तो माफ़ी मंगती हाँ क्योंकि चेयरमैन साहब जिवें कर रहे सन कोई गल नहीं गुरु करो पता साड़ी गलती पुत्र निकल गई है कोई नहीं तुसी फील ना करो मैं तुहाडे को माफ़ी मंग लैनी है दोनों हाथ जोड़ के राणा जी माफ़ी मंग के गए ने आप माफ़ी मंग के गए ने असीं तुहाडे को गलतियाँ तुहाडे नाल करांगे ये गलत। देखो गुरु रूप साध संगत जी हो गुरु रूप साध संगत जी देखो वो रंग ना दिखाओ जिन्ना गुरु साहब का आपां सत्कार कायम रखना। दूजे पासे देखो अपना सानू अपने अंदर भी जाती माननी पेगी असीं किस तरह गुरु की हजूरी विच किदां विचरदे पए हां। रोज़ हो सकदा तुहाडा किसे गल ते इस तरह रौला पाउणा गुरु महाराज जी।
चलो 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 खैर कोई गल नहीं, अगे हूँ आपे सामने जे जेतू टीम ने उन्होंने नाम अनाउंस किए जा रहे हैं। सारिया भैं सारू मेरी बेनती है कि हम थोड़ा चुप का दान बख्शिश करो। जेतू टीम का भाई साहब भाई गुरनाम सिंह जी आप जी सामने अनाउंसमेंट कर जा रहे हैं। बीबी बलजीत कौर और भाई गुरनाम सिंह जी ने जो रिजल्ट जेतू बीबिया के नाँ जो अनाउंस किए जा रहे हैं। भाई शोर नहीं मचाना, जिन्हें मचाना भाई ये ठीक नहीं गल, जिन्हें मचाना बहर जाके मचाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बेनती है जना सारिया बीबिया बैठ जाओ भाई, हाथ जोड़ के बेनती सारिया बैठ जाओ भाई, हाथ जोड़ के बेनती सारिया बैठ जाओ, सब दे चरणा च बेनती सारे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ भाई। हाँ जी हाँ जी थर्ड नंबर ते आई हैं बीबी हुण दा। हाँ बोलो। आपा जो फर्स्ट सैकंड कढ़े तीन तीन बीबिया के जथे कढ़े हैं, जिन्होंने शब्द वधिया उचारण वधिया किया, फिर आप देखिया जिहड़ियां बीबिया ने कीर्तन वधिया किया, सुर विच किया, तह ला लय दे विच किया, जिन्हां बीबिया की मिलत बहुत अच्छी सी, इस तरह जिहड़ियां बच्चियां ने भी शब्द पढ़े एज के हिसाब नाल भी, ते आप इस तरह रिजल्ट बनाया है। सारे चुप करके रिजल्ट सुनिए, आपा बाकी गल्लां छड्डो, बेनती है सारे रिजल्ट सुनिए, गुरु दी खुशियां पर सारे लो। बाकी ये तो हुण मजबूरी है ना, किसे नूं फर्स्ट किसे नूं सैकंड करना, क्योंकि असीं प्रोग्राम ही इस हिसाब नाल आपां रख्या है। सो तुसीं सारे फर्स्ट हो, ऐसी गल किसे नहीं भी किसे नूं इनाम मिल गया जां नहीं, सारिआं नूं इनाम है, गुरु साहिब दा शब्द पढ़ लिया। सो हुण आपां अनाउंसमेंट करन लगे, जिहड़े थर्ड बीबियां आईया तीजे नंबर ते, वो हैं बीबी मनिंदर कौर जी के टू, बीबी हरजीत कौर शास्त्री नगर, ते बीबी इंद्रजीत कौर बलजीत नगर। बोले सो निहाल, ये बीबिया के जथे तीसरे नंबर ते आए हैं। सो आ जाण अगे आण के अपने प्राइज लैण, फिर दूसरे सैकंड वाले बाद विच अनाउंसमेंट कर। थर्ड वाले अगे आई जाओ, आओ जी आओ जी। रोजी बीबी हरजीत कौर शास्त्री नगर, खड़ा हो जाओ जी मेरे नाल। बीबी मनिंदर कौर जी के टू ते बीबी इंद्रजीत कौर बलजीत नगर। मैं बेनती करा महाराज नूं पिट कोई ना करो, सच्चे पातशाह वाल मूँह करो, सच्चे पातशाह वाल मूँह करो, पिट कोई ना करो जी। ये मैं बेनती करा, मैं पता जिन्ने जत्थे आए ने किसी नूं माया दी कोई लोड़ नहीं, क्योंकि सारे माया दे रहे ने, सारे तुसी दित्ती है। सो ये जिन्नी भी माया दी ग्रुप असी एक डिसीजन लिया है कि इसत्री सभावान के दो जथे लईदे सी, जिहड़े एक बाणी शुद्धता वास्ते एक रस वास्ते, तुहाडी सहमति लई है कि जिहदे विच नौजवान बच्चियां ने जथियां विच तीजा वह असीं रलाया विच तीन एक एक नाम नूं तीन जगह डिवाइड किया गया कि बच्चियां दा दिल भी ना टुटे। फस्ट तुसीं हो, उन्होंने सिर्फ बच्चियों का हौसला बढ़ जाएगा जे उन्होंने थोड़ी जी माया विचों मिल जाएगी, तो तीन जगह डिवाइड किया गया इनू, दो जड़िया इसत्री सुभाव उन्होंने उत्थे ही है बराबर, जिमें दो दो लैने से दो दो ही लैना उन्होंने, तुसी प्यार दे नाल उन्होंने सन्मानित करना जड़िया नाल बच्चियां अच्छा गा रही ने, तीन तीन जगह इस इनाम नो डिवाइड करना। सो मैं पहला करांगी बीबी बीबी मनिंदर मनिंदर कौर जी, हरजीत कौर, बीबी सुदर्शन जी अगे आ जाण। बोले बोले सोनिया
हरजीत कौर शास्त्री तुसी पूरा जथा उत्थे अगे आके बैठ जाओ जी अगे दूजा नाम बीबी हरजीत कौर बीबी हरजीत कौर शास्त्री बाबा जी वाल मुंह करो मेरे वाल नहीं वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह धन धन सतगुरु महाराज जी जिन्होंने बीबी नरेंद्र कौर उद्दम बना के एक वसीला बनाया है कि बीबियां रल के कीर्तन करन ते सारी दिल्ली दियां संगतां इत्थे पहुंचियां सारयां दे बहुत बहुत धन्नवाद करदियां ते खास करके महाराज ने जिन्हां बख्शिश कीती है बीबी नरेंद्र कौर उद्दम हमेशा चढ़दी कला च रहन सारे इन्हां दी सुख सेहत वास्ते जकारा छोड़ो बोले सो निहाल बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जी आयान बहुत बीबी इंद्रजीत कौर बलजीत नगर ये सब दी फोटो वखरी वखरी लाइया ने हुण इस वेले मिल नहीं रही तुसी आपस में चेंज करके लभ लियो अपनी अपनी फोटो जी तुसी साइड ते बोले सोनेहा सेकंड जेड़े आए ने बीबी सुमिंदर कौर लाजपत नगर बीबी सुमिंदर कौर जी बीबी दूजे नंबर दे बोले सोनेहा फोटो दे अगला जत्था बीबी सुमिंदर कौर जी अगे आज दूजे नंबर ते आए हैं तुसी दूजे को विच खड़े मन फटाफट जी फटाफट आई जा बीबी सुमिंदर कौर बीबी परमजीत कौर अर्जन नगर ते बीबी गुरजीत कौर कालका जी बीबी सुमिंदर कौर लाजपत नगर बीबी परमजीत कौर अर्जन नगर ते बीबी गुरजीत कौर कालका जी ओने क्लास लेनी सी बीबी जी परमजीत ने ते मैं असि उन्हां दे नाल बीबी परमजीत कौर गई नहीं नहीं गई नहीं है वो क्लास लेनी सी ना असि इकट्ठे चक्का आया कोई गल नहीं है ना वो भी उन्हां सानू कहंदे असि गुरद्वारा सम्मान दे देणा उन्हां दा असि गुरद्वारा जा के रखदे ठीक है असि गुरद्वारा रखदे खड़े ने खड़े ने बीबी परमजीत कौर दा दियो यार समान चढ़ाओ परमजीत दा दियो बीबी परमजीत कौर दा दियो चढ़ाई जो फटाफट कर की रहे हो बीबी गुरुद्वारे दबागो परमजीत कौर अर्जन नगर चल ये दोनों जड़ी रुकिया उस स्पेस के यार लट पा मिल गया बीबी गुरजीत कौर कालका जी चलो मैं पहले फोटो पकड़ फोटो भी आप ले लिए फटाफट फटाई फोटो भी आप ले अपनी फोटो बाद च बदल लियो भाई एक दूजे दे घरों फोटो ले लो ਦਬਾ
ਕਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਨਮਾਨ? ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਛਾ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ? ਫਸਟ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥਾ ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਰਜਨ ਨਗਰ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਫਸਟ ਸਨ ਨਾ? ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ ਸੈਕੰਡ। ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਵਾਲੇ, ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਆਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਬੀਬੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੌਰ ਸੈਕਟਰ 16। ਬੀਬੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੌਰ ਸੈਕਟਰ 16, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਗਲਤ ਆ ਗਈ, ਐਨ ਉਹ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਫੜਾ ਦਿਓ ਫੋਟੋ। ਬੀਬੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੌਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਰਮਜੀਤ ਆ ਲਿਆ ਨੀ ਨਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਰਜੀ ਪਾਰਕ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਰਜੀ ਪਾਰਕ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੌਰ 16, ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੌਰ ਹੈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ।
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ बीबी खुशबू कौर 16 सेक्टर बोले सोनहाल सा श्री अकाल बाकिया नू भी इनाम मिलना सारे रोके जाओ जी सारिया नू सन्मानित किया जाना कौन रह गया कौन रह गया सारे हो गए तिने 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 हो गए तो ओ दियो अपने की उन्हें कहंदे लिस्ट जड़ी जड़ी इंटरव्यू लिस्ट है दो दियो दे दियो बाकी सारिया बीबियां नू सन्मानित कर दे जाओ इंटरव्यू लिस्ट दे दियो इंटरव्यू लिस्ट दे दियो सारे नू बीबी सुरिंदर कौर जी बीबी सुरिंदर कौर जी बोले सोनहा फोटो दो अगे जी फोटो फड़ायो होर केड़ा जथा जी अगे आओ हां हां जी मनजीत कौर आ जाओ इधर आ जाओ ने सम्मान तो मैं वेट कर रही हूं आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ भाई जी मनजीत कौर आ जाओ अगे ओ लिस्ट बीबी मनजीत कौर जी लाजपत नगर बीबी मनजीत कौर जी तुसे भी आओ बीबी मनजीत कौर इन्हां दा थर्ड प्राइज आया सी पर रह गए पिछे विचों गड़बड़ हो गई आ जाओ नहीं नहीं सारे नूं मिलना